सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुमार केशव फ्रॉम आईएएस मैथ्स एकेडमी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करेंट अफेयर्स रैपिड रिवीजन कोर्स। तो सबसे पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोग लाइव आ जाइए सो दैट यू कैन वॉच द सेशन वेरी स्मूथली एंड वी कैन स्टार्ट द आवर कोर्सेस। जल्दी से आप लोग सभी लोग लाइव आ जाओ सो दैट वी कैन नॉट हैव एनी टाइप ऑफ डिले एंड वी कैन स्टार्ट द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। यू कैन आस्क योर क्वेरीज, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि ये जो कोर्स है ये कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि ये रैपिड रिवीजन कोर्स है। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा सो 5 to 7 lectures इसमें हम लोग लगाएंगे। ड्यूरेशन जो होगा सो विद इन 15 days के अंदर में 5 to 7 lectures आपके आने वाले हैं। तो इस लेक्चर को अटेंड करेंगे आप तो आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप इन सारे लेक्चर्स को कॉन्टिन्यूसली अटेंड करेंगे। पूरा का पूरा आप लेक्चर आप सुनेंगे, ओके, देन ओनली यू विल फील द बेनिफिट ऑफ अटेंडिंग दिस कोर्स। ठीक है, ये कोर्स मैंने प्राइमरली उन लोगों के लिए ही बना रहा हूँ जो लोग अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं। जस्ट 1 महीने के बाद अक्टूबर महीने में वो लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो उनके लिए रैपिड रिविजन कोर्स है। इसमें हम लोग 500 to 700 बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही तेजी में आपका रिविजन हो जाएगा, और एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारे चीज़ सिमिलर सिमिलर थिंग आपको वहाँ पे मिलेंगे और बहुत अच्छे से प्रीलिम्स आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो कब क्लियर होगा, जब 5 lecture यहाँ पे दूँ मैं, 7 lecture दूँ, तो टोटल लेक्चर को आपको A to Z फ्रॉम द बिगनिंग टू द लास्ट आपको एक बार दो बार आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। जब ये आप ये लाइव सेशन जब ये एंड हो जाएगा उसके बाद रिकॉर्डेड सेशन भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, तो आप जब चाहोगे जब आपको टाइम रहेगा तब आराम से इसको पॉज करके भी देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन मैंने किया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत फायदेमंद हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। सो प्लीज एवरीवन ज्वाइन द सेशन। आई एम गिविंग टाइम ऑफ 2 मिनट्स सो दैट ऑल ऑफ द पीपल कैन ज्वाइन सेशन वेरी क्विकली। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि हाल के दिनों में प्रीवियस 1 to 1.5 ईयर
एक से 1.5 साल के अंदर में जो भी करंट अफेयर आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आए हैं उन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी का करंट अफेयर अलग देखेंगे, पॉलिटी का अलग देखेंगे, वैसा सीक्वेंस नहीं चलेगा। यहाँ टॉपिक चलेगा, क्योंकि जैसा कि आपको एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन एक तरफ से रहेगा, फिर ऐसा पॉलिटी का क्वेश्चन है, फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वहाँ भी मिक्सअप रहेगा चीज़ें। यहाँ भी चीज़ें को हम लोग मिक्सअप कर रहे हैं सो दैट आपको रोबस्ट बनाया जाए और आप प्रिलिम्स बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, ये आप देख पा रहे हो कि एक यूनेस्को का आपका यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, ठीक है, और ये एक लिखा हुआ है ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे कैसे करके क्वेश्चन आएगा, वन सेकेंड, क्वेश्चन आएगा आपको कि ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन जो है सो किसका डॉक्यूमेंट है, ये कौन निकालता है, ठीक है, ये कब से निकला है, तो कब से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले कौन निकालता है, तो आपकी यूनेस्को निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन कोलिशन यूनेस्को आप अंदाज नहीं लगा सकते हो, क्योंकि एजुकेशन है और यूनेस्को से यूनिसेफ भी यहाँ पे दे देगा, ऑप्शन में आपको देगा क्या, यूनिसेफ देगा, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी सारे फंड वगैरह देता है वो, ठीक है। लेकिन ये यूनेस्को आप वहाँ पे अंदाज पे तुक्कागिरी करके आप नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको पता होगा तभी आप करोगे। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि ए न्यू कॉलिशन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग अनप्रेसिडेंटेड डिसरप्शन एंड बियॉन्ड लर्निंग नेवर स्टॉप्स। मतलब इसका एम जो है सो पढ़ाई को जारी रखना है और रुके ना पढ़ाई, इसके कारण है सो ये कोलिशन बनाया गया है यूनेस्को के द्वारा। और ये देख सकते हो कि यहाँ पे COVID-19 पैंडेमिक के दौरान ये बना है, ये फुल एंड फेयर रिटर्न ऑफ एजुकेशन फॉलोइंग द पैंडेमिक स्ट्रेंथ ऑफ एजुकेशन, मतलब ऐसा कुछ है। तो चीज़ें पूछेगा आपको ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन, तो आपको वहाँ पे यूनेस्को लगाना है, एलिमिनेशन करना होगा तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन कर सकते हो, फाइन। ये क्या करता है कि आप यहाँ पे देखो एक्सेस टू, काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अभी आप COVID-19 रेस्पॉन्स टूल किट की तरह ये यूज हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि सारा के सारे इस पेंडेमिक के अंदर में जो ऑफलाइन एजुकेशन था वो खत्म हो गया है, सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, और ऑनलाइन शिफ्ट होने के साथ साथ काफी लोगों के पास ऑनलाइन इक्विपमेंट नहीं है, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उन सारे चीजों को ये यूनेस्को पहुंचाना चाहता है, सर्विसेज को उन बच्चों को जहाँ पे ये चीज़ अभी अनरीच्ड है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्री वगैरह हो गया, तो उसमें इंडिया भी आता है। तो यूनेस्को का ग्लोबल एजुकेशन कॉलिशन है, ये आप याद रखोगे, अगर क्वेश्चन आया तो आप वहाँ पे मार्क कर दोगे। अब यूनेस्को एक रिपोर्ट भी निकालता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो देखो यहाँ पे रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो वहाँ पे ग्लोबल एजुकेशन कॉलिशन था, यहाँ ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। तो इंक्लूजन एंड एजुकेशन ये आप देख सकते हो, तो रिपोर्ट एक्सेस प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 SDG 4 को ये रेफर करता है, एजुकेशन को, और 10 टारगेट्स है इसका, और SDG एजेंडा के भीतर में एजुकेशन भी है एक टारगेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजुकेशन पे है, ठीक है। तो SDG 4 गोल नंबर 4 वहाँ पे 10-12 गोल है, ठीक है। तो गोल नंबर याद नहीं रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज होना चाहिए ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन निकालता है, ग्लोबल एजुकेशन कॉलिशन किसका है, तो आप वहाँ पे यूनेस्को लगाओगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूज में था है ना, इसलिए मैंने यहाँ इसके साइट से ही इसको निकाल के आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। आप लोगों को कोई भी इश्यू हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप तुरंत ये पूछिए यहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी जाके आपको फायदा होगा, और 4 से 5 वीडियो, हो सकता है 7 वीडियो मैं लॉन्च करूँ आगे आने वाले दिनों में। तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा वीडियो देखोगे तभी फायदा है, नहीं तो अपना टाइम बर्बाद मत करो, खुद से जो कर रहे हो आप वहाँ पे प्रीलिम्स को फोकस कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखोगे तब जाके आपको 12 से 15 क्वेश्चन, हो सकता है 20 क्वेश्चन भी हिट हो जाए, तो काफ़ी
इम्पोर्टेंट चीज हो सकता है कि 20 क्वेश्चन तो एक बड़ा मार्जिन क्रिएट कर देता है कि नहीं? काफी कम लोग अभी आए हैं, होप सो सभी लोग ज्वाइन कर ले क्लास को। अब देखो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एडीबी, आप जानते होंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, तो आप जानते होंगे कि ये एक बैंक है, वर्ल्ड बैंक की तरह ही है, आईएमएफ के तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा सा वो ईस्ट एशिया की तरफ ये बैंक है, उधर का ज़्यादा मतलब उधर का एक्टिविटी ज़्यादा होता है, आप कह सकते हो कि एशिया का ये वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, एडीबी। तो अब ये एक कोविड 19 जो काफी इस साल को पूरा बर्बाद करके रख चुका है, ये कोविड 19 में ये सपोर्ट प्रोग्राम ला रहा है, ये एक्टिव रेस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्टिव रेस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम ये किसका है, समझ रहे हो? फिर आप यहाँ देख सकते हो कि प्रपोज एक्टिव कोविड 19 एक्टिव रेस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट केयर्स प्रोग्राम, ठीक है, तो ये केयर्स प्रोग्राम के नाम से ये है, एडीबी का है, तो वहां पे आपको फंसाने के लिए वर्ल्ड बैंक दे सकता है कि इसका है। और ये काउंटर साइक्लिक सपोर्ट फैसिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इंडिया को ही नहीं, काफी सारे देश को, ये डेवलपिंग कंट्रीज को ये काउंटर साइक्लिक फैसिलिटी CSF जो बोलते हो ये प्रोवाइड किया है एडीबी, है ना, विल प्रोवाइड क्रिटिकली नीडेड सपोर्ट टू हेल्प गवर्नमेंट मिटिगेट द सीवियर हेल्थ सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस डिजीज 2019। एडीबी सपोर्ट विल अलाउ द गवर्नमेंट टू अंडरटेक पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब ये गवर्नमेंट को देगा और वहां से वो गवर्नमेंट अपना इसी सेक्टर में पैसा को लगाएगी। तो ये एडीबी का था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का था। एक क्वेश्चन दे सकता है कि कौन से बैंक का है, वर्ल्ड बैंक का है कि AIIB का है कि ब्रिक्स बैंक का है, तो वहां फंसा ले सकता है आपको। चाहे एक पूछ सकता है कि कोविड 19 में ये जो प्रोग्राम है सो कौन से कंट्री को मिल रहा है, डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री को, तो ऐसा आप सोच सकते हो। तो इसका नाम याद रखना, एक्टिव रेस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बांग्लादेश को भी दिया है, इंडिया को भी दिया है, ठीक है। नाउ वी कम टू आवर वन टॉपिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी न्यूज में रहा है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये आप देख सकते हो बीका भी बोलते हैं इसको, BECA। तो ये किस देश के साथ है सो अरेंजमेंट ये हुआ है, ये पहले तो है क्या, ये बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन पूछे है कि किस टाइप का एक्सचेंज है ये, तो ये ट्रेड का एक्सचेंज है कि कम्युनिकेशन का है कि जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है, ये जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है। अभी इंडिया हालांकि इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है अभी ड्यू टू सर्टेन रीजन, बीका अभी साइन नहीं हुआ है इंडिया और US के बीच में, लेकिन अभी जो ट्रंप का दौरा हुआ था इंडिया में मार्च 2020 में, तो उसमें ट्रंप ने इस बात को उठाया था नरेंद्र मोदी सरकार से कि ये इंडिया के साथ वो बीका का जो बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो करना चाहता है। तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन है सो आपको एग्जाम में आ जाए, तो अभी ये लागू नहीं हुआ है, तो लागू हो सकता है कि प्रीलिम्स के बाद हो, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि बीका किससे रिलेटेड है, कौन कौन से कंट्री से। अब बीका आप जाने हैं वो, तो वो क्या था, जियो स्पेशल के लिए था, अब तो कॉम कासा है, मतलब दो तीन टाइप का एग्रीमेंट है जो कि आपको इम्पोर्टेंट है जानना चाहिए, ठीक है। एक है कॉम कासा मतलब है कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम, ये भी है कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन किसके लिए है, वो सिक्योरिटी के लिए, और बीका किसके लिए था, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन था वो, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ लिखा है क्या, US मिलिट्री नेगोशिएटिंग टर्म वाज इन दिल्ली लास्ट वीक टू रिस्पॉन्ड द इंडियन ऑब्जेक्शंस एंड फॉर्मुलेट म्यूचुअल एक्सेप्टेबल टेक्स्ट फॉर कम्युनिकेशन, कि कॉम कासा के बारे में बोल रहा है। तो कॉम कासा का ही दूसरा नाम जो है सो आपको सिसमुआ भी है, ठीक है। तो कॉम कासा है सो क्या लीगल फ्रेमवर्क है किसके लिए, तो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जियो स्पेशल के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है ये, कम्युनिकेशन के लिए है,
ठीक है, और ये मिलिट्री के लिए है ये, ठीक है, ये मिलिट्रीज आप याद रख सकते हो, कॉम कासा में एम आता है कम्युनिकेशन एंड मिलिट्री, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी ऑफ मेमोरेंडा ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, इसको अब सिस्मोआ इसका नाम दे दिया गया है ड्यू टू सर्टन रीजन, तो कॉमकासा एंड सिस्मोआ आर बोथ सेम थिंग्स बट दे आर ऑफ मिलिट्री नेचर, ये एक्सचेंज किस चीज का होगा, तो मिलिट्री कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का ये एक्सचेंज होगा, ठीक है, ये साइन हो चुका है मिलिट्री एग्रीमेंट, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे वहां दे देगा क्वेश्चन में कि कॉमकासा है सो ट्रेड का एग्रीमेंट है, कुछ ऐसा बायलेटरल ट्रीटी है ना, तो बायलेटरल ट्रीटी तो ट्रीटी नहीं है, ये एक एग्रीमेंट है आप बोल सकते हो, और ये कह सकता है कि वहाँ ट्रेड के लिए है चाहे फॉर एनी अदर थिंग, है ना, कुछ भी लगा सकता है, सेम थिंग एक लेमोआ भी आया था, लेमोआ बहुत दिन पहले आया था, ये 2016 के अंदर में ही ये चीज साइन हो चुका था, 2016 या होप सो आई एम करेक्ट, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये क्या था कि एक जैसे इंडिया है तो अगर इंडिया का वार अगर चाइना से होता है तो एक तरह से नाटो टाइप का ये जैसा नाटो में अलायंस है उसी तरीका का ये अलायंस मिलिट्री अलायंस टाइप का है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इंडिया का टेरिटरी वो यूज कर सकता है, वैसे ही अमेरिका को अगर किसी देश से अगर वार करना है चाहे कुछ भी तो वहां पे इंडिया अपना शिप उतार सकता है, ठीक है, वहाँ पे अपना प्लेन उतार सकता है, वहाँ रिफ्यूलिंग कर सकता है, ये सारे चीज वहाँ के लोग जैसे मिलिट्री वहाँ जा रहा है तो उसको सपोर्ट कर सकता है, इस तरीका का एग्रीमेंट था ये लेमोआ, इंडिया हैज साइंड द लेमोआ विच अलाउज मिलिट्री ऑफ ईच कंट्री टू रिप्लेनिश अदर बेसिस नेगोशिएशंस ऑफ द थर्ड एग्रीमेंट, ये जो कॉमकासा और लेमोआ के बाद जो है सो आपका बेका है, वो कॉमकासा और सिस्मोआ दोनों सेम था, मिलिट्री एग्रीमेंट था इंफॉर्मेशन को लेकर सिक्योरिटी को लेकर, और ये बीका जो है सो जियो स्पेशल है, और जो लेमोआ जो है सो आपका ये सामान पहुंचाने का वहां टेरिटरी को यूज करने का इस्तेमाल करने का फिर वहां पे वार करने का, ठीक है, तो इस तरीका से आप इसको याद रख सकते हो, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर नॉलेज, यू कैन सी लेमोआ के भीतर में क्या होता है कि बोथ कंट्रीज हैव एक्सेस टू अदर डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज एंड रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेसमेंट, इंडिया साइन 2016, आई वॉज करेक्ट, ओके, सिस्मोआ आप देखो तो क्या है ये मिलिट्री सिक्योरिटी है, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी है जो कि स्पेसिफिक वर्जन ऑफ सिस्मोआ, जो कॉमकासा है स्पेसिफिक वर्जन को सिस्मोआ बोलते हैं, और ये 10 ईयर्स के लिए वैलिड है, 10 ईयर्स के बाद जो है सो इसको चेंज किया जाएगा, फिर से साइन होगा, अब ये साइन कब हुआ था 2018 में, अब ये 2020 में अभी ट्रम्प आया था तो ये एग्रीमेंट हो नहीं पाया, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिन में ये एग्रीमेंट हो जाए, ओके, सो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बीका ये अमेरिका के साथ हुआ है, यूएसए के साथ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, होप सो यू आर एंजॉइंग द सेशन, इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन टू आस्क प्लीज आस्क आस्क योर क्वेश्चन, अब देखो कि ये एक चीज है कि डिलिमिटेशन कमीशन है, इसके बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नए नए टेरिटरीज बने हैं, ये जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके दो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो डिलिमिटेशन कमीशन को बैठाया गया है उसका बाउंड्री को तय करने के लिए, बाउंड्री देखने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई चुनाव होगा तो फिर वो देखने के लिए, ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में क्वेश्चन इस बार आ सकता है, इट्स माई गेस, सो इट इज अ वेरी हाई पावर बॉडी, ठीक है, और ये कमीशन क्या होता है, बाउंड्री कमीशन भी इसको बोलते हैं, अभी तक ये 4 बार हो चुका है, ये 1952 में, 1952 के एक्ट के अनुसार, 1963 में, 1962 के एक्ट के अनुसार, 1973 में, जब 72 एक्ट के अनुसार, और ये 2002 में हुआ है, ठीक है, तो अभी ये रिसेंट वाला जो अभी हो रहा है, सो डिलिमिटेशन कमीशन, तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो चीज है सो स्टेट और लेजिस्लेटिव, स्टेट मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होगा उसके लिए भी ये
करता है, और जो नेशनल लेवल का चुनाव हो रहा है उसमें भी ये करता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे, और इसका मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकता। ये जो डिलिमिटेट कर देगा कि जो जगह है ना, मतलब यहाँ से यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया, एक यहाँ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया, दूसरा ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया, तीसरा ऐसे, तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऐसे करके क्रिएट कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा कि उसको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो। ये इम्पोर्टेंट चीज है, कोर्ट में आप इस केस को नहीं ले जा सकते हो। ये पूछ सकता है, ये डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एग्जाम में आपको बोल सकता है कि स्टैचुरी बॉडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इस 2020 एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, तो एक पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है, ये पीएम स्वनिधि। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में अपीयर हो सकता है कि पीएम स्वनिधि कैसा फंड है। स्वनिधि मतलब, स्व मतलब अपना होता है, और निधि मतलब हो गया है वो पैसा, धन, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। आप देख सकते हो कि अभी जो विपक्ष है, ठीक है, कांग्रेस, तो ये इस बात को बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनफॉर्मल सेक्टर को बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो ये एक योजना है जिसके तहत आप इनफॉर्मल सेक्टर को रिवाइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स ओनली, कोई एमएसएमई सेक्टर का नहीं है ये, स्ट्रीट वेंडर्स जो मतलब ठेले लगाते हैं, फल बेचते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के जो बार्बर है, कोई छोटा मोटा जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए है ये, ओके। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देख लो, स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं कि ज्यादातर आपको अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ये कौन कौन से हो जाएंगे, ठेले वाला, रेडी वाला हो गया वो, ठीक है, हॉकर्स हो गया, वेंडर्स हो गया इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है, जो सब्जी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, और ये सब समझ ही रहे हो। तो क्या हुआ है कि कोविड 19 पैंडेमिक के कारण सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट जो पड़ा है सो इन स्ट्रीट वेंडर्स पे पड़ा है, क्योंकि काफी दिन है सो लॉकडाउन रहा है, इनका रोजी रोटी खत्म हो गया है। तो स्मॉल कैपिटल चाहिए इनको अपने आप को फिर से राइज करने के लिए, सो ये पीएम स्वनिधि स्कीम लाया गया। अब इसके अंदर में, अब ये कौन मिनिस्ट्री है जो कर रहा है इसको, तो आप देखो यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर के लिए लाया गया है, तो ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपको याद रखना है। टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल अप टू रुपीज 10,000, तो आजकल है सो यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं कि 1,00,000 रुपए दे देंगे, 2,00,000 देगा, तो नहीं, यहाँ पे 10,000 रुपए तक का ही कैपिटल लोन मिलेगा, तो काफी कम राशि होता है, 10,000 तो ऐसे ही 10,000 में क्या हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना चाहिए कि 10,000 का ही ये कैपिटल लोन प्रोवाइड करेगा, और रेगुलर रीपेमेंट करना है, रिवार्ड है सो आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन पे मिलेगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी और स्टेट्स कौन कौन से है, इसमें सारे स्टेट्स आएंगे, बेनिफिशियरी 2 states दैट हैव बीन रूल्ड एंड स्कीम्ड अंडर स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के लिए आ जाएगा। और यहाँ देख सकते हो कि मेघालय जो है सो इसके अंदर नहीं होगा, तो ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस पूछेगा आपको कि ये कौन से अफेयर में आता है, कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, और ये कितना इसका बजट है एलोकेट किया गया, तो 10,000 है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि अर्बन एरिया में रह रहा है 24 मार्च से पहले, और उसको स्ट्रीट वेंडर को आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इन द पोसेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ वेंडी आइडेंटिटी कार्ड बाय अर्बन लोकल बॉडी। ये बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है, कितना ठेला वाले के पास ये वाला आइडेंटिटी कार्ड होगा, है ना, बहुत सारे लोगों के पास तो आधार कार्ड नहीं है, तो ये वेंडिंग और आइडेंटिटी कार्ड तो होना बड़ा मुश्किल है। एनीवे, जो भी है इसमें आपको याद रखना है कि ये इनके पास लोकल बॉडी द्वारा जारी किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, तभी 10,000 रुपये मिलेगा। और इस स्कीम का नाम क्या है, पीएम स्वनिधि स्कीम, ओके।
सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका. किसके लिए? ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए, 10,000 है, एक साल में लौटाना है, मंथली रिपेमेंट करना है. और इन केस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा सो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक्स का होता है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे ये. उतना आपको याद नहीं रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये सब. आप इंटरेस्ट सब्सिडी 7% है सो एलिजिबल होगा अगर वो सही टाइम पे पैसा वैसा वापस कर पाता है. तो आपको ध्यान रखना है कि मेन चीज क्या था. मेन चीज इसमें है क्या कि फिर से मैं बता रहा हूँ कि पीएम स्वनिधि जो है सो किसके अंदर है, तो हाउसिंग अफेयर्स है, अर्बन अफेयर्स के अंदर में. और ये सिडबी इसके साथ में इंगेज है और इसको क्या कर रही है, हैज साइंड एमओयू बिटवीन सिडबी इन ऑर्डर टू सिडबी एज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि. तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये कौन कर रहा है, तो सिडबी कर रहा है. तो आपको फंसाने के लिए वहाँ पे दे सकता है, नाबार्ड वगैरह दे सकता है. तो 10,000 मिलेगा, ठीक है, अप टू टेन थाउजेंड. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. 50 लाख वेंडर इसे बेनिफिटेड होंगे. ये मार्च 2022 तक चलेगा. स्टेट भी इसका टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, ठीक है. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये न्यूज़. किसी को कोई डाउट हो रहा है, आर यू एंजॉइंग द सेशन और नॉट, प्लीज़ टेल मी द कमेंट बॉक्स. आई थिंक दिस विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन. और आपको जब एग्ज़ाम पीटी जब आप देकर आओगे तो फिर आप कहोगे कि या इट वॉज़ अ नाइस सेशन. ओके, ऐसे 4-5 सेशन अगर हो जाएगा, अगर आप सारे अटेंड कर लोगे तो फिर बहुत अच्छे से आप चीज़ों को मैनेज वहाँ पर कर पाओगे. अब देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आया है सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए. तो सरिस्का टाइगर रिजर्व पहले तो कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए. ये राजस्थान में है ना. सर, इसका टाइगर रिजर्व को एनजीटी ने माइनिंग के लिए क्लोज कर दिया है. माइनिंग क्लोज करने के लिए ये रूल किया है, ठीक है. ये रूलिंग है इसका एनजीटी का. तो एनजीटी आप जानते हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी एक्ट से बना है, ये स्टैचुरी बॉडी है. रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे मिलता है. सर, इसका टाइगर रिजर्व तो इम्पोर्टेंट हो गया कि ये राजस्थान में है. तो जो जो न्यूज में जो नेशनल पार्क जो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब जो इम्पोर्टेंट न्यूज में रहते हैं वही सब क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं. यहाँ देखो, सरिस्का वाज डिक्लेयर्ड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1955 एंड वाज डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व इन 1978 मेकिंग इट एज अ टाइगर प्रोजेक्ट. आप जानते हो कि 1973 से स्टार्ट हुआ है. तो फिर इसका बेसिक के लिए नटका वगैरह के लिए भी आपको जानना चाहिए, है ना. अब ये कनकरवाड़ी फोर्ट जो है सो लोकेटेड है इस रिजर्व के भीतर, जो मुगल अम्पायर औरंगजेब जिसमें इम्प्रिजन कर दिया था अपने भाई को दारा शिकोह को इसी फोर्ट के भीतर में, और गद्दी खुद संभाल लिया था. ये इम्पोर्टेंट है आपको, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट. ये क्या है? तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बचाने के लिए. बैलेंस ऑफ पेमेंट अनबैलेंस होता है तो फिर उसको करेंसी स्वैप एग्रीमेंट से उसको ठीक किया जाता है, ठीक है. तो पूछेगा कि इसमें कौन कौन से कंट्री, इंडिया कितने कंट्री के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर चुका है. तो 23 कंट्री के साथ कर चुका है ये. तो वहाँ पे लिखेगा कि इंडिया हैज ओनली 5 रेटिफाइड करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद ओनली 5 कंट्रीज, तो वो सब गलत हो जाएगा. 23 कंट्रीज है. और अभी रिसेंटली में जो है सो अभी आप देखोगे यहाँ पे न्यूज़ में होगा, सो बाय डूइंग दिस द सर्विंग द सेटल इन द फॉरेन एक्सचेंज से यूएस डॉलर यूरो व्हाटएवर, है ना. और फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूव करता है कि ये होगा या नहीं होगा बायलेटरल ट्रॉक के द्वारा. तो आपको याद रखना चाहिए कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कितने कंट्री के साथ इंडिया कर चुका है.
और ये क्या होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो रिसेंटली अभी देखो तो श्रीलंका के साथ इंडिया कर चुका है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, कितना, 400 मिलियन डॉलर का विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। फिर यहाँ इंडिया और जापान भी करे हैं 28 अक्टूबर को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडिया है सो जापान का जो करेंसी है उसको एक्सेप्ट करेगा, है ना, और जापान जो है सो इंडिया का करेंसी एक्सेप्ट करेगा। ये म्यूचुअल होता है दोनों के बीच में। तो आप याद रखो कि इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इफेक्ट इसका यही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक रखता है, स्टेबल रखता है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, सरल इंडेक्स है ये, रूफटॉप। अब जानते हो कि इंडिया में सबसे ज्यादा एनर्जी जो है सो अभी सोलर से निकालने की कोशिश में है इंडिया, जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। तो MNRE इसका मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर देखिए, आपको कर सकता है वो डाइवर्ट, तो आप डाइवर्ट ना हो। कर्नाटका टॉप किया है ये सरल रूफटॉप अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स जो है सो, सरल बोलते हैं इसको, आपको ये याद रखना चाहिए। तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश जो है सो ये सब थर्ड फोर्थ सेकंड में नंबर पे आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको लॉन्च किया था सरल इंडेक्स को, और इसमें कर्नाटक का जो नंबर है सो फर्स्ट आया है, तेलंगाना सेकंड, गुजरात थर्ड। तो ज्यादातर लोग हैं जो इसमें गुजरात वगैरह मार देंगे, लेकिन कर्नाटक है ये, याद रखिएगा। तो इसका टारगेट कितना है, 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक करना है, जिसमें कि 100 गीगावाट है सोलर से निकाल के लाना है और 40 गीगावाट है सो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप से लाना है ना। तो बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, इसको करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। अब एक नया एक सिविलाइजेशन का खोज हुआ है, आप देख सकते हो कि किलाड़ी सिविलाइजेशन, ये वैगई सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, और क्योंकि ये वैगई नदी के तट पे हुआ है ये, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था। तो किलाड़ी बोलते हैं, चाहे खिजाड़ी बोलते हैं, दोनों चीज बोलते हैं इसको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना चाहिए। ये कौन से स्टेट में है ये, तो ये तमिलनाडु के भीतर है, तमिलनाडु में एक्सकेवेशन हुआ है, एग्जिस्टेड इन तमिलनाडु। अब ये संगम एरा ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वाइगई, व्हाट लिंक्स डिड सिविलाइजेशन हैव विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसका काफी सारा लिंक है। तो आप कुछ कुछ साइन वगैरह देख रहे हो, किलाड़ी का है, यहाँ इंडस का साइन है, यहाँ पे एक साइन ये सिमिलर होता है, फिर यहाँ पे एक साइन सिमिलर है, ये साइन सिमिलर है, ये भी साइन सिमिलर है। अब देख सकते हो कि वैगई नदी के तट पे हुआ है किलाड़ी सिविलाइजेशन, जो कि संगम एरा से बिलोंग करता है तमिलनाडु के भीतर में। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है ये, 2 नवंबर 2019 का न्यूज है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको अपियर हो, क्वेश्चन अब जब आप एग्जाम देंगे तो। ठीक है, तो एक मैं न्यूज़पेपर का एक कटिंग लाया हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ आप देखिए, जैसे ये ह्यूमन है और ये काफी अच्छा खासा हाइट, 6 फीट है इसका हाइट, इसमें सारे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। तो किलाड़ी सिविलाइजेशन तमिलनाडु में हुआ है, फर्स्ट एडल्ट स्केलेटन मेजरिंग अबाउट 6 फीट, आप देख सकते हो। अब ये सिविलाइजेशन है सो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ये के पैरेलल, चाहे उसके जस्ट बाद ये सिविलाइजेशन इमर्ज हुआ था। ओके, और ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तमिलनाडु में है, रिवर वाइगई के किनारे में, और ये 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC में ही आ रहा है।
अब यहाँ लेटर्स जो मिल रहा है सो ब्राह्मी लिपि में आ रहा है ये, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकते हैं। ऑक्स, बफेलो, सीप, ये सब का फ्रेगमेंटेशन, पीका का फ्रेगमेंटेशन, ये सब मिला है आपको। ब्रिक स्ट्रक्चर, टेराकोटा रिंग, फॉल रूफ, ये गोल्डन स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ यहाँ पे मिला है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आइटम इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMA। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा है, ये लास्ट ईयर भी न्यूज में था, ठीक है, इस साल भी न्यूज में है। और ये क्या होता है तो पहले देख लो आप। अब ये शॉर्ट टर्म लोन है, सबसे पहला चीज ये क्या है, शॉर्ट टर्म लोन है। गवर्नमेंट जो है सो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लोन ले सकता है WMA वेज से, वेज एंड मीन एडवांसेस, ये रेपो रेट पे 3 महीने के लिए लोन ले सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा है कि नॉट लेटर देन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग एडवांस, 3 महीना के लिए ले सकता है। कहाँ से है तो ये RBI एक्ट का सेक्शन 17 क्लॉज 5 में जब आप देखेंगे, RBI एक्ट 1934 वो ऑथराइज करता है सेंट्रल बैंक को लेंड करने का, किसको, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को, है ना। ऑडी पेबल होना चाहिए वो 3 महीने, 90 दिन के भीतर आ जाना चाहिए वो, ठीक है, नहीं तो फिर इंटरेस्ट वगैरह वो ज्यादा चार्ज करते हैं, है ना। तो 60% ठीक, काफी इंपॉर्टेंट था कि इस सिचुएशन में, पेंडेमिक के सिचुएशन में, ये लोन को 75 करोड़ जो है सो ट्रिलियन आप बोल सकते हो कि 75 करोड़ है सो ये इस सेशन में, पिछले सेशन में ये लिया है भारत सरकार। तो ये वेज एंड मीन्स एग्रीमेंट एडवांसेस क्या था ये आप जान गए, सेक्शन कौन सा है, कितने दिनों के लिए होता है, और ये रेपो रेट पे ही मिलता है, ठीक है, जो रेपो रेट रहेगा उसी रेट पे आपको मिलेगा ये। इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो है सो गिरवी रखना पड़ेगा वहां पे RBI को, और फिर वो रेपो रेट पे जैसे लोन देता है उसी तरीका से यहाँ पे लोन मिल सकता है, लेकिन ये क्या है 90 दिनों के लिए, रेपो रेट में 14 दिन के लिए मिलता है, ओके। तो आपको ये याद होना चाहिए कि रेपो रेट चार्ज है और ये WMA डिसाइडेड बाय RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितना लिमिट होना चाहिए WMA का ये डिसाइड करता है RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट नहीं करता है। तो इतना सारा डिटेल अगर आप जान जाओगे तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में क्रैक कर दोगे क्वेश्चन आप। नाउ कम टू इंडियन ओशन कमीशन, ये भी न्यूज में रहा है, नाम जो है सो काफी मिसलीडिंग है, नाम है इंडियन ओशन कमीशन तो लगता है कि इंडिया भी इसका मेंबर होगा, लेकिन ये नहीं है इंडिया इसका मेंबर। इसके मेंबर कौन है, कॉमोरोस है, मेडागास्कर है, मॉरिशस, रीयूनियन आइलैंड है जो फ्रांस का रीजन है, और सेशल्स आइलैंड है। 1984 में ये किया गया था, ठीक है, विक्टोरिया एग्रीमेंट इन सेशल्स, याद होना चाहिए आपको। और इंडिया एडमिटेड एज 5th ऑब्जर्वर टू द इंडियन ओशन कमीशन, अभी इंडिया जो है सो 5वां ऑब्जर्वर किया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया ये, ऑब्जर्वर के रूप में इंडिया को बनाया गया है इंडियन ओशन कमीशन में, तो एक अच्छी बात है ये। इंडियन ओशन का सिक्योरिटी रीजन से लेकर नेविगेशन रीजन, जियो पॉलिटिक स्ट्रेटेजिक रीजन आप देखोगे तो एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। तो इंडियन ओशन कमीशन आपको याद रखना चाहिए, कौन कौन से देश इसके अंदर आते हैं, कॉमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन और सेशल्स। इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। So we will have a break of 5 minutes, then we will start the session.
सो वेलकम बैक। सो अब जो नया टॉपिक है हमारा, इंडियन ओशन कमीशन के बारे में हमने पढ़ा अभी, है ना। तो इंडियन ओशन कमीशन में इंडिया को ऑब्जर्वर के रूप में ले लिया गया है, तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गया आपके लिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2015 में नरेंद्र मोदी विजिट किए थे 3 स्मॉल सिग्निफिकेंट ओशन आइलैंड में के जो सेशल्स है, मॉरिशस है, मॉरिशस में 90% लोग बिहार के ही हैं, है ना। तो और वहाँ पे आप भोजपुरी जो यहाँ का जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, दिस इज भोजपुरी, यू शुड नो इट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका है, अब यहाँ पे टूर किया था इन्होंने। तो स्ट्रेटजिक विजन, अब ये क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन्स इन द रीजन सागर। अब ये क्या है, सागर के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन कि सागर जो इंडिया का एक स्ट्रेटजिक विजन है, तो ये अगर इंडिया, अगर इंडियन ओशन कमीशन में अगर आया है, तो इससे क्या होगा कि सागर को स्ट्रेंथ मिलेगा, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, जैसे आपको साउथ चाइना सी में जिस तरीका से चाइना का है, सो बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है, आप बोल सकते हो एक तरह से हर एक चीज़ को वो अपना जताता है, तो इसी तरीका से ये हो सकता है कि किसी दिन ये इंडियन ओशन में भी अपना चीज़ कब्जा करना शुरू कर दे, है ना, नए नए आइलैंड्स बनाना शुरू कर दे। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए इंडिया अपना स्ट्रेटजिक विजन लेकर चल रहा है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन्स, ये सागर जो है सो ये इंडियन ओशन के लिए है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। तो इंडियन ओशन में ये आया है, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है। अभी इसका क्विक फैक्ट्स है, अभी एक चीज आप देखो कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के का यूज आजकल हर जगह हो रहा है, फ्रॉम एजुकेशन टू इंडस्ट्री टू हेल्थ केयर सेक्टर टू पॉलिटिक्स, एवरीवेयर, ठीक है। तो ये कौन करता है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप जानो कि ये जो प्रोग्राम है, सो दिस प्रोग्राम इज GPAI, ये किसका है, ये इंक्लूड करता है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, मतलब मेन चीज़ है क्या है कि इंडिया इसका है पार्ट है, है ना। और बॉडी का सेक्रेटेरिएट जो है सो वो होस्ट करेगा OECD, OECD आप जानते हो कि पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, OECD विल हैव द होस्टिंग पावर, सेक्रेटेरिएट, इट्स सेक्रेटेरिएट विल बी, OECD सेक्रेटेरिएट विल होस्ट दिस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये, फाइन, आप इतना इसको ध्यान में रखोगे। आफ्टर दैट आप देखो कि ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इन्वायरमेंट सेक्शन के आ जाता है, ये ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। तो जैसे ही आप ऐसा कुछ देख लोगे कि ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये इनिशिएटिव है आपका कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN, ठीक है, और इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, है ना, और IOC यूनेस्को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी सब इसमें मिले हुए हैं, और फिर ये ब्लू कार्बन इनिशिएटिव इसका नाम रखा गया। ब्लू कार्बन क्यों, ब्लू कार्बन मतलब हो गया ओशियनिक कार्बन, ओशियनिक कार्बन को जो एब्जॉर्ब करे, तो वो कौन सा करेगा, वो मैनग्रोव का एरिया में होगा, टाइडल एरिया होगा, सी ग्रासेस वगैरह होगा, जो मरीन इकोसिस्टम है उसके रीस्टोरेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम के लिए लाया गया है, ठीक है, टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज कैसे मिटिगेट करेगा, तो रीस्टोरेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम के लिए। अब ये कैसे मैनग्रोव इसको, उसने ओशनिक कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, तो इसके लिए आप शंकराइस का जो बुक है उसको आप बेसिक वगैरह वहां से कर सकते हो। ये न्यूज में रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ब्लू कार्बन इनिशिएटिव किसका है, तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये भी आपको जानना चाहिए कि NGO है या क्या है, आप इस पर रिसर्च करोगे, ठीक है। फिर IUCN के बारे में आप जानो कि ये कब बना था, क्या ये UN का बॉडी है कि नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है।
फिर आईओसी, इंटरनेशनल ओशनोग्राफिक कमीशन, यूनेस्को। ये कब बना? यूएन का पार्ट है ये, यहीं से दिख रहा है आपको, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्लू कार्बन क्या होता है? कार्बन स्टोर्ड इन कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम। ये कार्बन सिक्वेस्टर काम करता है। सिक्वेस्टर का मतलब खींचना है ना, कार्बन ज्यादा से ज्यादा खींचेगा। वो कैसे खींचेगा वो, ठीक है? तो उसका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, वो क्या करता है, जो पौधा है वो लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जितना ज्यादा आप पौधा लगाओगे, जितना ज्यादा मैरीन इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा आपका, उतना क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में बेस्ट रहेगा। तो यहाँ देखो कि एक चीज यहाँ पे लिख रहा है इंपॉर्टेंट, कोस्टल इकोसिस्टम सच एज मैनग्रोव, टाइडल मार्शेस एंड द सी ग्रासेस, मीडोस इकोसिस्टम स्टोर मोर कार्बन पर यूनिट देन द टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट। टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट से ज्यादा कार्बन कहाँ होता है? ये मरीन इकोसिस्टम में कार्बन पाया जाता है। तो मिटिगेट करने के लिए मरीन इकोसिस्टम को आपको रोबस्ट बनाना पड़ेगा, उसी के लिए है ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। आईयू मतलब कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये किसका इनिशिएटिव है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, ये आईयूसीएन भी है, और आईओसी, इंटरनेशनल ओशियोनोग्राफिक कमीशन, यूनेस्को, ये एक पार्ट है यूएन का, ये करेगा, ठीक है? और ये सारा चीज आप यहाँ से देख सकते हो। जो भी चीज आपको दिक्कत लगता है कि ज्यादा स्पीड ज्यादा है, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख के बाद में आप देख सकते हो। होप सो यू आर एंजॉइंग द सेशन। थोड़ा देर का और सेशन होगा, ये 10 से 15 मिनट का। हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि ये बहुत सारा करीब 1000 कॉन्सेप्ट्स, 500 to 1000 कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में है कि उसको कराना है, जहाँ से क्वेश्चन आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको वहाँ से निकल के आए, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा वो। अब देखो काफी डिबेट चल रहा है इंडिया के अंदर में क्लिनिकल ट्रायल का, कोविड-19 के कारण जो अभी ड्रग नहीं बन पाया है, जो उसका जो वैक्सीन ट्रायल फेज में है। तो इंडिया के अंदर में भी 3 टाइप के जो वैक्सीन है वो भी ट्रायल फेज में है, आप न्यूज में सुनते होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी वाला निकाल सकता है कि क्लिनिकल ट्रायल वगैरह कौन करता है, किसके कौन उसका अथॉरिटी है, कौन इसको इशू करता है कि आप क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूव करता है किसी हॉस्पिटल को या कोई मेडिकल एजेंसी को। तो ये करता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएससीओ, ठीक है? सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ड्रग है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में, आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में, लेकिन वो नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्टर के, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। डीजी ऑफ हेल्थ सर्विसेज के भीतर ये आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के भीतर आता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यही है सो आपको क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस देता है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लिनिकल ट्रायल है, ये पढ़ने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज द सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी फॉर डिस्चार्जिंग फंक्शन असाइन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर में ये काम करता है। सब ये सब काम करने है कि कितना जोनल ऑफिस है ये सब, ठीक है? मेन फंक्शन क्या है? कंट्रोल ओवर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, जो इम्पोर्ट आप करते हो उसका, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है ये। ड्रग्स एंड टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी है, इसका अप्रूवल करता है, सर्टेन लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस अप्रूव करता है इन एक्साइज ऑफ सीडीएससीओ हेडक्वार्टर्स, ठीक है? अब ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई कहाँ बैठता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में बैठेगा ये, है ना? ही और सी रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द न्यू ड्रग, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स एज वेल एज कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, ट्रायल्स जो भी है ट्रायल होना चाहिए। ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर डीसीजीआई, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ, है ना, ड्रग कंट्रोल, और स्टेट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विल बी फंक्शनिंग, और ये एडवाइज करता है ये सपोर्ट। तो ये याद रहना चाहिए आपको, फिर से एक बार देख लो स्लाइड। सेंट्रल ड्रग
स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये किसके अंदर आता है, डीजी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रीन इकोनॉमी का, काफी बार ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा, ये ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है भाई, है ना। तो ग्रीन इकोनॉमी क्या है, कुछ नहीं है, सस्टेनेबल इकोनॉमी आपका हो, ठीक है, जिससे पेड़ पौधा कम कटे, आप ऐसे सोच सकते हो। तो ग्रीन इकोनॉमी किसका इनिशिएटिव है, तो यूनाइटेड इन्वायरमेंट, यूएन इन्वायरमेंट का ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव है। ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था लेट 2008 में, यहीं से क्वेश्चन है, सो आपको कई बार घुमा सकता है कि बोल देगा कि रायो अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में, उसमें निकाल दिया था क्या ये ग्रीन इकोनॉमी, है ना। चाहे आपको बोल सकता है कि 2000 में रायो प्लस समिट हुआ था, है ना, रायो प्लस 20 ऐसा कुछ, 20 साल भी आप जोड़ो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2012, ठीक है। तो रायो प्लस 20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह वहां पे किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट हुआ था, बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वगैरह भी आया, ठीक है। तो ये कौन करता है, यूएन इन्वायरमेंट करता है। ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव इंक्लूड्स 3 सेट्स ऑफ एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज है भाई, तो प्रोड्यूसिंग ए ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट, तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में आपको, ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट क्या होता है, रिलेटेड रिसर्च मटेरियल विच एनालाइज द मैक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, पॉवर्टी रिडक्शन, यही सब है, फलाना ठिकाना, है ना। ग्रीन इन्वेस्टमेंट इन द रेंज ऑफ सेक्टर्स ऑफ रिन्यूएबल एंड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोवाइडिंग गाइडेंस, आपको वहाँ प्रॉब्लम क्या करेगा कि यूएन अब ये ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव बोल देगा कि कह देगा कि वहाँ पे IUCN करता है ना, कुछ अलग बॉडी दे देगा, वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे, चाहे दे देगा यूएन इन्वायरमेंट ही है ना, चाहे UNFCCC दे देगा वहाँ पे क्लाइमेट चेंज, तो वहां से आप बड़गला जाओगे, है ना। तो आप डाइवर्ट ना हो, आपको याद होना चाहिए कि यूएन इन्वायरमेंट करता है, ये 1992 में नहीं हुआ था, ये 2008 में 2008 के लेटर सेक्शन में हुआ था, तो यहां से आप करोगे तो आपको याद रहेगा। यहां से मैंने एक और स्लाइड बनाया है, ग्रीन इकोनॉमी UNEP क्या है, रिलीज कब हुआ है, 21 फरवरी 2011 में, मिसकॉन्सेप्शन इन द इन्वेस्टमेंट ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी आर गोइंग दैट एग्जैक्ट पोजिशन इज ट्रू, ये आपको याद होना चाहिए, समझे। तो कोई भी डाउट है अगर आपको, तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करो, कमेंट करो, सो दैट वी विल बी इनकरेज टू प्रोड्यूस मोर लेक्चर्स लाइक दिस वन, ओके। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूनाइटेड नेशन के भीतर आता है, इसने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 निकाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 है, ये कौन निकाला है, तो ये सबसे पहले आपको FAO होगा, आपको याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर रिसोर्स। एक ब्लू डॉट इनिशिएटिव है, ब्लू डॉट इनिशिएटिव किसका है, तो ये जैसा कि आप चाइना का आप जानते हो कि वो अपना सिल्क रूट बनाना चाह रहा है ना, BRI प्रोजेक्ट है उसका, तो उसी तरीका से अमेरिका जो है सो उसको चाइना को काउंटर करने के लिए ब्लू डॉट इनिशिएटिव है सो स्टार्ट किया है। इस बार आए थे ट्रंप, तो इस बात पे भी बात हुई है ब्लू डॉट नेटवर्क पे। तो ब्लू डॉट नेटवर्क ये क्या है, तो आपको ब्लू डॉट मतलब हो गया कि ओशन को के डॉट्स, मतलब जो भी ओशन के अराउंड जो भी कंट्रीज है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना सस्टेनेबल वे में। चाइना क्या कर रहा है कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंडिंग कर रहा है, सो दैट उन वो जो अफ्रीकन कंट्री है वो उस लेंडिंग अमाउंट को चुका ना पाए, इंटरेस्ट ज़्यादा कर दे, तो उनका एक कर्जदार हो जाए और धीरे धीरे वो जो नियो कॉलोनाइजेशन की तरफ चाइना बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये अमेरिका को चाइना को अगर काउंटर करना है तो अमेरिका भी इस तरीका का पॉलिसी स्टार्ट किया है ब्लू डॉट नेटवर्क से, है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का है। तो इंडिया से ही बात चल रहा है कि ब्लू डॉट नेटवर्क में आना चाहता है या नहीं, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया हामी भर देगा, ठीक है। अगर नहीं भरता है तो उसका कई सारे रीजन हो सकते हैं,
ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे बाद में। तो अभी बस इतना याद रखो कि ब्लू डॉट इनिशिएटिव क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया लेड बाय, ऐसा कुछ है ये, है ना। यहाँ वर्ल्ड बैंक वगैरह सब इसको फंड नहीं करेगा, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। इट इज अ मल्टी स्टेट गैम्बिट दैट टारगेट्स टू ब्रिंग प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज टू हाई क्वालिटी इंटरेस्टेड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ब्लू डॉट इज अ नेटवर्क दैट विल ब्रिंग ऑल कंट्रीज टुगेदर अंडर द एम्बिट ऑफ डेवलपिंग फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्लू डॉट नेटवर्क आपको इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आ सकता है ये। सेलियंट फीचर क्या है, स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, है ना। तो आप क्वाड जानते हो, क्वाड क्वाड में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया भी है ना। तो अगर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अगर यहाँ इंडिया हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वाड से आप इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ये सब चीज आपको समझने के लिए पूछेगा वही। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी बढ़िया लगा होगा, एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आपको ये आज का सेशन लगा होगा। एंड हम लोग ऐसे सेशन काफ़ी सारे करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर करंट अफेयर, जो रेलिवेंट करंट अफेयर है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में आएंगे, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको फ़ायदा करेगा। तो आप इन वीडियोस को लगातार आप देखें, जितना सीरीज में लाऊं, 7 सीरीज लाऊं, 8 सीरीज लाऊं, 1 घंटा का, 1.5 घंटा का सेशन होगा, वही 9 साढ़े 9 के आसपास मैं ये सेशन रखूंगा रात को, है ना। सो दैट यू ऑल ऑफ यू यू गाइज विल बी फ्री। तो एक पहले से नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा कब होगा, आज थोड़ा जल्दी हो गया है तो जल्दी से मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया। अब नोटिफिकेशन कर दूंगा कि किस दिन क्लास होगी, तो उस हिसाब से आप अपने आप को शेड्यूल कर लोगे। और इस कोर्स को अगर आप पूरा अटेंड करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा वैसे नहीं लग रहा है, ठीक है। ये इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे मैथ के स्टूडेंट जो है हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, सो चाहे आप कोई भी ऑप्शनल पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, तो प्रीलिम्स थोड़ा सा निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें मैं आप लोगों को बेनिफिट कर सकूं, सो दैट आप लोग बहुत अच्छे से प्रीलिम्स को क्लियर कर पाओ। अपना आप लोग एफर्ट डालते रहो, साथ साथ ये भी वीडियोस देख लो, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। वो चीज़ आप एग्जामिनेशन दे कराओगे, फिर आप मुझे बताओगे कि यू हैव गेन समथिंग फ्रॉम दिस वेरी लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ ग्रेट नाइट।